नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। व्यापारी मोहम्मद शाकिर हत्याकांड से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त, बाजार बंद, पुलिस जुटी जांच में। सरायकला जिले से ब्रांडेड कंपनियों के नकल बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। जमशेदपुर के टेलको स्थित तालाब से युवक का शव बरामद, पुलिस जुटी जांच में। और जमशेदपुर में बढ़ रहा है मधुमक्खियों का आतंक, रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग हो रहे हैं घायल। और अब खबर विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जी हां, जमशेदपुर में बीती रात अज्ञात तीन नकाबपोश अपराधियों द्वारा जर्दा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। अपराधी व्यापारी के रुपए से भरे बैग को लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं सोमवार को पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर कर रही है। घटना के बाद डीएसपी हेडक्वार्टर वन और डीएसपी सिटी के अलावा कई थानों के थाना प्रभारी घटना स्थल के आसपास विभिन्न कंपनियों के द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे थे। व्यापारियों के द्वारा जिला पुलिस पर बनाए जा रहे दबाव को देखते हुए पुलिस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास कर रही है। बता दें, बीती रात साक्षी शीतला मंदिर के समीप तीन नकाबपोश अपराधियों के द्वारा साक्षी मोमेडन लाइन के रहने वाले जर्दा व्यापारी कमर इकबाल और मोहम्मद शाकिर को लूट की नीयत से गोली मारी गई, जिसमें मोहम्मद शाकिर की मौत इलाज के क्रम में टाटा मेन अस्पताल में हो गई, जबकि मृतक का छोटा भाई कमर इकबाल गंभीर रूप से घायल है। अपराधी व्यवसायी के पास मौजूद रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जिले के वरीय अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। घटना से नाराज जर्दा व्यवसायियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपनी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया। दुकान बंद करके एक चचेरा अपना भाई छोटा है, शीतला मंदिर के सामने दुकान है हम लोगों का, समझ गए, पंजाब नेशनल के सामने, वहां से लेकर के पैसा जो भी हाथ में थोड़ा बहुत जी, वहीं से दुकान बंद करके वो लोग आ रहे थे और वहीं शीतला मंदिर के पास गाली देकर किसी ने रोका है और सामने से बाइक को सामने से रुकाया। दो तीन लड़का था बाइक से सामने सड़ा के गाड़ी सड़ा करके रुकाया और गाली उली देते हुए। पैसा किनके पास? पैसा भाई जो पीछे बैठे हो तो उनके हाथ में थे। जी, पैसा होगा ये अंदाजा नहीं, दुकानदारी का जो भी हो। और आगे साकिर के पास नहीं? साकिर तो गाड़ी चला रहा था ना, लूट के दिया है ये, क्या हत्या के तो हम लोग खुद नहीं समझ में आ रहा। हम लोग किसी से दुश्मनी वगैरह वगैरह नहीं था, बस समझे क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं। हम खुद अपना दूसरा दुकान बंद करके आए तो घर में पता चला कि भाई के साथ ऐसा हो। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आरक्षी अधीक्षक नगर प्रभात कुमार ने टाटा मेन अस्पताल पहुंचकर घायल कमर इकबाल और उनके परिजनों से मामले की जांच पड़ताल की। मीडिया से बात करते हुए प्रभात कुमार ने कहा कि मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। कई टीमों का गठन कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दो आदमी को गोली लगने की सूचना है और यहाँ दोनों आदमी जो इंजर्ड हैं वो यहाँ टीएमएच में भर्ती हैं। अभी हम लोग इनका कोई जर्दा या गुटखा का दुकान था, वो दुकान से लौट रहे थे दुकान बंद करके। उस घटनाक्रम में जैसा जो प्राइमा फेसी आ रहा है कि पहले से तीन लोग खड़े थे और उनके द्वारा गोली मारा गया और जो पैसा इनके पास था बैग में वो लेकर के भागा गया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको जल्द से जल्द देखने का क्या है। और जमशेदपुर में बीती रात हुए जर्दा व्यापारी मोहम्मद शाकिर की हत्या के विरोध में साक्षी के सभी जर्दा विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को बंद रखा। साथ ही सभी व्यापारी चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुरेश सोनथालिया के साथ मिलकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। व्यापारी वर्ग ने एसएसपी अनूप बिरथरे से अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि अगर शहर में अपराधी खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो व्यापारी वर्ग में एक डर व्याप्त होगा और वो अपना व्यापार कैसे करेंगे। मृतक व्यापारी के भाई ने मांग की है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो ताकि अन्य व्यापारियों के साथ इस तरह की घटना ना हो। गौरतलब है कि बीती रात दो आरोपियों को तीन नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसमें एक मोहम्मद शाकिर की मौत इलाज के दौरान हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यापारी घायल हुए थे जिनका इलाज टाटा मेन अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के विरोध में व्यापारी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
जो अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं सर, प्रशासन उसको जल्द से जल्द स्ट्रिक होकर के दम पकड़े बस, और हम लोग और कुछ नहीं चाहते। प्रशासन इतना कोशिश करे कि जो हम लोग के साथ हुआ वो किसी और के साथ आगे नहीं हो पाए। बस सेफ्टी सेफ्टी होना चाहिए बाजार में, हर तरफ सेफ्टी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के लोग हैं ना, तमाम लोग पूरा बाजार एक मेन चौक में हम लोग बैठे हुए, अगर इस तरह का हरकत होते रहेगा तो फिर बाजार में आदमी व्यापार ही नहीं कर पाएगा। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना से सटे बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के सामानों की नकल बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद बनाने वाले इस गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि भारी मात्रा में यहां से तेल और चाय पत्ती भी बरामद किया गया है। ब्रांडेड कंपनी के नकली उत्पाद बनाने वाले गिरोह के पास से पैकिंग के सामग्री और रैपर आदि भी बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि आदित्यपुर थाने से सटे बाजार के पास अवैध तरीके से इनके कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों की नकल धड़ल्ले से की जा रही थी, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। इधर कंपनी के अधिकारियों द्वारा सरायकेला एसपी को छापेमारी के लिए लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके बाद पुलिस और कंपनी के अधिकारियों के संयुक्त कार्रवाई में यहां से एक को गिरफ्तार किया गया, साथ ही इस गोरख धंधे को भी उजागर किया गया। उन्होंने बताया डाबर कंपनी के उत्पाद, टाटा टी समेत हिमालय के उत्पादों की नकल की जा रही थी, जबकि शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में आगे भी इस तरह के गोरख धंधे होने की आशंका जाहिर की गई है। हमारी कंपनी है डाबर इंडिया लिमिटेड निहार, इन सब कंपनियों का डुप्लीकेट मार्केट में बना के बेच रहे थे। कंपनी के द्वारा हम लोग जांच के लिए मिला था, काफी दिन से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, तो हमने एसपी साहब से मिले, सरायकेला जो है चंदन मिश्रा जी जो है उनसे मुलाकात किया, उन्होंने थाने में फोर्स गठित की और उसके आज सुबह आके संपर्क किए, तो उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिए गए नरेंद्र जी के थ्रू। कितने लोग इसमें पकड़ाए? एक पकड़ाया अभी, आज इसकी जांच चलेगी, आगे देखते हैं क्या होता है रिपोर्ट। और जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र अंतर्गत तार कंपनी तालाब से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब में शव की सूचना मिलते ही इलाके में सैकड़ों लोग तालाब किनारे पहुंचे, कंपनी पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। मृतक की पहचान 34 वर्षीय राजीव कुमार के रूप में हुई, जो टेलको कॉलोनी रोड नंबर 3 का रहने वाला था। मृतक के पिता गोरखनाथ सिंह हैं, जो टाटा मोटर्स रिटायर्ड कर्मी हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक राजीव कुमार पढ़ाई करता था और नौकरी नहीं मिलने से डिप्रेशन में था। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। फिलहाल टेलको पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन कर रही है। कंपनी गुरुद्वारा वाले पुंड में डेड बॉडी ठहर रही है। इसके बाद हमने थाना प्रभारी को और ओडी अफसर को खबर किया, वो लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बीच हम भी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को खबर दिए, देने के बाद आकर के यहाँ जो है डेड बॉडी को निकाल करके टेलको थाना उसमें काफ़ी एक्टिव होकर के और टाटा मोटर्स से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आके और QRT टीम वगैरह सब निकाल करके डेड बॉडी को MGM भिजवा दी। टेलको क्रॉस रोड नंबर 3 के थे और ये उनके फादर द्वारा पता चला कि ये डिप्रेशन में रह रहे थे और नहाने के क्रम में आप खुद करके आत्महत्या की, अभी तो जांच का विषय है। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित JH तारापुर स्कूल में मधुमक्खियों का आतंक देखने को मिला, जहाँ मक्खियों के द्वारा राहगीरों और स्कूल में बच्चे को लेने आए अभिभावकों को शिकार बनाया गया। कुछ घायल लोगों का इलाज टाटा मेन अस्पताल में चल रहा है। बिष्टुपुर स्थित JH तारापुर स्कूल में एक पुरानी कहावत सही चरितार्थ होती नजर आ रही थी, जिसमें कहा गया था कि मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ मत डालो। किसी अनजान व्यक्ति ने मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया, फिर क्या था, मधुमक्खियों ने अपना आतंक पूरे क्षेत्र में मचाना शुरू कर दिया। स्कूल में बच्चों को लेने आए अभिभावकों और वहां से पार हो रहे राहगीर इन मधुमक्खियों के डंक का शिकार हुए। कई घायलों का इलाज टाटा मेन अस्पताल में चल रहा है। वहीं संदर्भ में पत्रकारों से बात करते हुए स्कूल के कर्मचारी रियाजुद्दीन और स्थानीय व्यक्ति मिराज ने कहा कि घटना के वक्त स्कूल के सभी छात्र छात्राएं क्लासरूम के अंदर मौजूद थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित है, पर कई लोग मधुमक्खी के शिकार हुए हैं। घटना कुछ नहीं, मधुमक्खी जो है ना वो अचानक छतरी से निकल के और सबको काटने लग गई है, तो लोग परेशान हो गए, आने जाने वाले लोग भी है, पेरेंट्स भी है, सबको तो टीएमएच चले गया है, गए लोग भी टीएमएच में। और इस तरह का मैंने ऐसा तो पहली बार हुआ है। इसके लिए कोई सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन के लिए तो आप देखते हैं कि क्या करना है, प्रयास हम लोग तो कर रहे हैं, तो लोगों को बता रही कि भाई आप लोग उधर मत जाइए, मधुमक्खी काट रही सबको।
और सरायकेला जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां दो बाइक में सीधी टक्कर हो गई। पीछे से आ रही ट्रैक्टर ने युवती को कुचल डाला, जहां मौके पर ही युवती की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार मासूम सहित तीन अन्य लोग जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया। घटना खरसावा कुचाई मुख्य सड़क पर घटी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि युवती की मौत ट्रैक्टर के कुचलने से घटनास्थल पर ही हो गई। फिलहाल मृत युवती की पहचान नहीं हो सकी है। और जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास ने युवाओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित कई जानकारियां दी। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न चौक चौराहों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नुक्कड़ नाटक एवं फिल्म के माध्यम से किया जा रहा था, जिसका समापन गोलमुरी चौक में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे लोगों को जागरूक कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास एवं ट्रैफिक विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के संबंध में मीडिया से बात करते हुए ललित दास ने कहा कि यह अभियान युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से लोगों की जिंदगी के महत्व और सड़क सुरक्षा से संबंधित कई जानकारियां जिला पुलिस द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्र छात्राओं को फिल्म दिखाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया, जो काफी सराहनीय है। सड़क सुरक्षा को लेकर उनके द्वारा चलाई जा रही संस्था समर्पण ने भी इस अभियान में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर युवाओं को हेलमेट के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास किया। कार्यक्रम के माध्यम से वे बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चला रहे लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की। सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोगों ने एक गुलदस्ता एक फूल देके और एक हेलमेट देके और साथ ही साथ एक रोड सेफ्टी के रूल्स एंड रूल्स नियम का एक पंपलेट बांटा। और मैं आग्रह करूँगा पूरेवासियों जमशेदपुर वासियों से, नागरिक से, खासकर हेलमेट पहने, जहाँ भी निकले कम से हेलमेट पहने, जो आगे बैठे हैं वो भी हेलमेट पहनिए और जो पीछे बैठे वो भी हेलमेट पहनिए। और साथ ही साथ खासकर युवा लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि नशा में गाड़ी ना चलाएं और साथ ही साथ हेलमेट अवश्य पहनिए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्री एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं। विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोर्ड और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अब हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल, जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हां, हर अवसर, शादी ब्याह पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियां। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत,
प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज, और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरन मल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरन मल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728 साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 2435138 और 9431329002। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-2438616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707, और देखें हमारा वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू
www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकला जिले के आदित्यपुर स्थित आयडा भवन के सभागार में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज और इंडियन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सड़क सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा अपनाते हुए सड़क पर वाहन चलाने के दौरान जागरूक रहने संबंधित जानकारियां दी गई। सेमिनार में मुख्य रूप से कोल्हान के पूर्व आयुक्त मोहनलाल राय, सरायकला DTO दिनेश रंजन, IIT पटना के दीपक चौरसिया, इंडियन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश दास समेत जुस्को के सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। आयोजित सेमिनार में मुख्य रूप से लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने संबंधित कई सुझाव दिए गए। इस मौके पर DTO दिनेश रंजन ने बताया कि सड़क सुरक्षा में अनदेखी के कारण प्रति 3 घंटे में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान जा रही है, जबकि भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से भी अधिक लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में होती है, जो कि एक अति संवेदनशील मुद्दा है। जबकि उन्होंने बताया कि इस पर रोक लगाने के लिए सिर्फ सड़क सुरक्षा और जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। साथ ही DTO ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर परिवहन विभाग द्वारा बड़े और भारी वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जबकि इन्होंने साफ किया कि आदित्यपुर कांडरा मुख्य मार्ग समेत सर्विस लेन में खड़े रहने वाले वाहनों को लेकर विभाग द्वारा जल्द ही व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। सड़क सुरक्षा का जो विषय है ये बहुत संवेदनशील विषय है, और अभी जो दुर्घटनाओं की संख्या पर विश्लेषण किया जाए तो प्रति 3 घंटे में एक मृत्यु हो रही है, एक दुर्घटना हो रही है। इसलिए जो है इस पर विचार करना आवश्यक हो गया है, और एक यह एक देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है तो सड़क दुर्घटना से, तो ये एक संवेदनशील विषय बन चुका है, और आज हमें आवश्यक है कि इस पर विचार करें और इस पर सड़क सुरक्षा के नियमों पर चल कर के ही हम लोग इससे बच सकते हैं। इसलिए सामान्य लोगों को जागरूक करना आवश्यक हो गया है सड़क सुरक्षा के संदर्भ में। और जमशेदपुर के मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में मंदिर में पूजा करने गई महिला अपर्णा देवी को वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने हथियार के बल पर मंदिर में पूजा करने से मना कर दिया, साथ ही दोबारा मंदिर आने पर हत्या करने की धमकी दे डाली। इस बाबत जानकारी देते हुए महिला अपर्णा देवी ने बताया कि बैकुंठ नगर स्थित नदी किनारे हनुमान जी का मंदिर है, वहां वे रोजाना पूजा अर्चना करने जाती है। सोमवार को रोजाना की तरह पूजा अर्चना करने वे गई थी। इसी बीच 4 की संख्या में वहां मौजूद अपराधी अमित सुंडी माधव समेत 2 लोगों ने उन्हें हथियार दिखाकर मंदिर में पूजा अर्चना करने से रोका और दोबारा मंदिर में आने पर हत्या करने की धमकी दे डाली। इधर महिला ने थाना पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। और हम पूजा करने गए 8 बजे, वो लड़का लोग मेरे को बोलता तुमको पूजा करने आने मना किया ना, ये मंदिर तुमको पूजा करने नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से रहते हैं, अब तुम यहाँ से जाओ ना तुमको गोली मारेंगे, पिस्तौल निकाला सर, और एक तो हमको भुजाली दिखाए और हमको इतना गंदा गंदा गाली कुलच कर रहे हैं, हमको 2-4 लड़का वहाँ से बोला घर भर जाएंगे। कहाँ पर? ये बैकुंठ नगर। तो कौन लोग गाली दिया आपको? अमित मुंडी और माधव और उनका पापा भी थे, उनके पापा का नाम क्या है? कहा दिया आपको? वही मंदिर में पूजा करने गया। कौन सा मंदिर है? नदी किनारे बजरंग मंदिर। वहाँ डेली जाते हैं आप पूजा करने? हाँ डेली जाते हैं। अचानक हमारा साथ ये लोग ऐसा हाथ करने लगा और गाली गुलज देने लगा सर, हम बोले क्यों ऐसा कर रहे? बोले करेंगे, तुम यहाँ काहे पूजा करना है? मंदिर किसका है? मंदिर मेरा है सर। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में बहुत जल्द ब्लड बैंक की शुरुआत की जाएगी। ऐसे में बहुत हद तक दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। फिलहाल सदर अस्पताल में कभी भी रक्त की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। इधर दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले मरीज सदर अस्पताल की व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। सदर अस्पताल में ब्लड बैंक के लिए नया भवन बनकर तैयार हो चुका है, लाइसेंस के लिए अप्लाई की जा चुकी है, साथ ही कर्मचारियों की भी नियुक्ति हो चुकी है। वहीं जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि वैसे रक्त की समस्या कभी उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने बताया फिर भी लोगों की मांग को देखते हुए और किसी तरह की परेशानी भविष्य में मरीजों को ना हो, ऐसे में ब्लड बैंक की शुरुआत होना अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने बताया इससे मरीजों को काफी हद तक राहत पहुंचेगी। सदर अस्पताल के कैंपस में ब्लड बैंक की बिल्डिंग बनी हुई है, सरकार का निर्देश है उसे चालू करना, और उसके लिए चालू करने के क्रम में मैंने उनका लाइसेंस के लिए अप्लाई करवा दिया है। स्टाफ का डिपुटेशन हो गया है, लाइसेंस आने के क्रम में उपकरण जैसे ही आते हैं ब्लड बैंक का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक के हमारे यहाँ ब्लड स्टोरेज यूनिट था, जिसके चलते मुझे ब्लड बैंक की बहुत अति आवश्यकता में ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही थी,
जो हमारे ब्लड बैंक के उससे भी कहीं ज़्यादा हमारी आवश्यकताओं में है। SNCU होना हमारी आवश्यकताओं में है, अदर डिपार्टमेंट को और डेवलप करना, स्ट्रेंथनिंग करना, लेकिन ये वन ऑफ द कंपोनेंट है और सरकार का निर्देश भी है। वहीं उन्होंने विगत दिनों लगातार सदर अस्पताल पर लग रहे आरोपों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, अस्पताल में जितने की संख्या में चिकित्सक उपलब्ध होने चाहिए उतनी संख्या में चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसे ध्यान में रखते हुए चिकित्सक ससमय उपस्थित रहते हैं। उन्होंने कहा, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था आउटसोर्सिंग व्यवस्था है, अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार अल्ट्रासाउंड विभाग में डॉक्टर सही समय पर उपस्थित हो इसके लिए पत्राचार किया जा रहा है। इसके अलावा भी चिकित्सकों की कभी भी कमी नहीं पाई गई। उन्होंने कहा, वे स्वयं कार्यालय आने से पहले अस्पताल का निरीक्षण करते हैं ताकि किसी भी मरीज को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अभी लाया गया था कि डॉक्टर आपके समय पर नहीं है, जब मैं छानबीन में किया तो पता चला कि वो अल्ट्रासाउंड से संबंधित मामला है और अल्ट्रासाउंड एंड मेडॉल हमारा आउटसोर्स एजेंसी है, उसमें हम लोगों ने कई एक बार अल्ट्रासाउंड के संचालक को कहा कि आप सवेरे से डॉक्टर दीजिए, लेकिन उनके बीच में कुछ डॉक्टर आए भी थे लेकिन वो पूर्ण रूप से सक्सेस उनका नहीं रह सका। अभी सेकेंड हाफ में ही डॉक्टर आते हैं और इस सिलसिले में मैंने पत्राचार भी उनके संचालक से किया हूँ कि भाई डॉक्टर को तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी मैं सुबह के पारी से डॉक्टर दूंगा। वहीं अस्पताल पहुँचे मरीज ने बताया कि वे लगातार स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए अस्पताल पहुँचते हैं और कभी भी उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। अस्पताल की व्यवस्था से वे काफी खुश नजर आए। और सरायकेला खरसावां जिले के काशी साहू कॉलेज परिसर में ABVP संगठन की एक बैठक हुई। बता दें, छात्र संघ चुनाव के बाद पहली बार यह बैठक हुई। वहीं बैठक में मुख्य रूप से महाविद्यालय के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बैठक में संगठन द्वारा आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। जो कि पहली बार सरायकेला के इस काशी साहू महाविद्यालय में आयोजित हुए हैं, क्योंकि ये जिला अभी तो जिला घोषित नहीं हुआ पश्चिमी जिला सिंहभूम के अंदर, तो मैक्सिमम बैठक इसका चाईबासा में होती थी, लेकिन पहली बार सरायकेला को इसका प्रतिनिधित्व करने को मिला है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि सरायकेला में जिस तरह से मजबूती से संगठन आगे बढ़ रहा है और विश्वविद्यालय में जितने भी मुद्दे हैं आगे आगामी परिषद के जो कार्यक्रम है, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है बोकारो में, तो उस चीज़ को लेकर हम लोग चर्चा पर बैठे हैं और क्या क्या छात्र हित में काम होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके अंदर हमें आंदोलन करनी चाहिए, जिसका ध्यान केंद्रीय सरकार को करना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा होगी। और दुकान में काम करने से मना करने के विरोध में होटल के कर्मचारी ने होटल के मालिक के बच्चे को मारकर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए होटल की मालकिन अनीता देवी ने बताया कि उनके होटल में उत्तम नामक युवक काम करता था जो रोजाना शराब के नशे में रहता था, जिसे काम से हटा दिया गया। पुनः दुकान पर शराब के नशे में वह आया और दुकान से हटाने का विरोध करते हुए उनके बच्चे को पत्थर से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उनके बच्चे को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मानगो थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। मामला यही है कि हमारे जब दुकान में काम करते थे उसको जब हम लोग निकाल दें हिसाब वगैरह दे के, तो पी के आया और गाली गजोर किया और बच्चे को ईंटा खिला के मार दिया। क्यों निकाले? कारण कारण यही है कि शराब वो पीता था और हम लोग की शराब यानी घर में पी के नहीं अलाउ, तो बोला हम नहीं काम करेंगे, नहीं काम करेंगे तो पैसा देके हिसाब कर दिए, हिसाब करके उसको हटा दिए। दुकान क्या चीज़ का है? होटल। कहाँ पर है? संते हाईवे। आज सुबह में दारू पी के आया और आने के बाद बच्चे को पत्थर चला के मार दिया। जब उसको यानी समझाने लगे तो बस्ती वाले लोग उसको बचा के हटा दिए और मेरे बच्चे खून से लथपथ, यानी कि हम लेके जब थाना पे आ रहे हैं तुम लोग कंप्लेन करके पुलिस को यानी कि बुला लिया। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जमशेदपुर के साक्षी स्थित बुद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसमें हजारों लोगों ने भगवान बुद्ध की पूजा की। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विष्णुपुर स्थित बुद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में शामिल भक्तों ने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। इस बाबत जानकारी देते हुए सुष्मिता बढ़िया ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वे लोग भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान बुद्ध से देश एवं राज्य के साथ साथ सभी जाति धर्म के लोगों के लिए सुख शांति की कामना करते हैं। बौद्ध धर्म के आदमी सब लोग हम यहाँ पे आते हैं और
पूरी तरीके से परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। पूजा पाठ भी है? जी जी, पूजा पाठ, फिर हमारे यहाँ भोग वितरण होती है, प्रसाद के तौर पे जो ग्रहण किया जाता है वो सभी लोगों के लिए होती है। एक बार फिर यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बन रही है हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। पापा पापा, मेरा तो नाम लॉटरी में नहीं निकला। हमारे बच्चे किसी लॉटरी का मोहताज क्यों? मैं कौन स्कूल में पढ़ूंगा? हम इन्हें पढ़ाएंगे एक अच्छे स्कूल में। जहां सुरक्षा की गारंटी हो, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण ICSE स्कूल हो, जिसके मूल में भारतीयता बसी हो। हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपके पास पढ़े। जहां पढ़ाई के साथ साथ संस्कार मिले और अपनों जैसा व्यवहार मिले, जहां प्यार करने वाले हों, और सबसे बड़ी बात, जहां हमें पूर्ण विश्वास हो। DSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस कासीडी, एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलचा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलचा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलचा रेडीमेड सेंटर। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक AC गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलचा रेडीमेड सेंटर, जहाँ आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलचा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहाँ आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलचा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलचा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलचा, करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार, आज ही पधारें बाजार गोलचा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा, जमशेदपुर, 0657-229-0093। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है,
কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি সে এই বিচার করতে এই বিচার সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক হয় আমরা এই বিচার সে ম্যারেজ এডুকেশন বিজনেস ডিসিজ মামলা মকদ্দমা কই ভি প্রবলেম আপকো 100% গ্যারান্টি কে সাথ হাম সলিউশন করতে আমি অনেক জিপসি কাছে গেছিলাম কিছু প্রবলেম নিয়ে কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি যবে থেকে মাধববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে অনেক সাফল্য লাভ হয়েছে আমার মেয়ে দিয়ে ছেলের চাকরি সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে মেরে বচ্চে কা পড়াই মে মন নহীং লাগতা থা শ্রী মহাদেব জি কে পরামর্শ কে বাদ আজ মেরা বচ্চা আচ্ছে নম্বরো সে পাস হো রাহা হ্যায় মহাদেব জি সে মিলে অর সভি পরেশানিয়ো সে নিজাত পায়ে মিলনে কে লিয়ে সম্পর্ক করেন জেমকো আদিত্যপুর সাক্ষী সোনারি মানগো গোলমুরি মোবাইল নম্বর 9874482680 9430715730 9709052086 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जुबली पार्क तालाब में बने रेलिंग पर एक विक्षिप्त महिला चढ़ गई और तालाब में कूदने का प्रयास करते नजर आई, जिन्हें टाटा स्टील के एसआरटी टीम द्वारा बचाया गया और बिष्टुपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि अचानक महिला तालाब पर बने रेलिंग से कूदने का प्रयास करते नजर आई। इस दृश्य को देखते ही उक्त स्थान पर गहमागहमी का माहौल सा बन गया। तुरंत स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पार्क में मौजूद टाटा स्टील के एसआरटी टीम के जवानों को दी, जिसके बाद जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर काफी कड़ी मशक्कत के बाद महिला को नीचे उतारा। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इनके द्वारा महिला को बिष्टुपुर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस महिला के परिजनों की खोजबीन कर रही है। हमको सूचना यह मिला कि पोल पर माने चढ़ गई थी। सूचना में हम लोग पर यहाँ पहुंचे, अभी जा रहे हैं एमडीएम हॉस्पिटल। क्या विषित है महिला? हाँ, कुछ तो माइंड का। कैसे उतारे आप? हम लोग तो उतारे नहीं, यहाँ सब हमारे सब स्टाफ लोग आए। और जमशेदपुर में शेन इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को एक मंच देने का प्रयास किया गया है। बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में शेन इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए किया गया था, जिसमें चार ग्रुपों में छात्र छात्राओं को बांटकर प्रतियोगिता कराई गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि स्कूल के निदेशक राजा सिंह के अलावा कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल के प्राचार्य मनोज शर्मा ने कहा कि खेल के माध्यम से वे छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखार कर उन्हें एक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास उनकी प्राथमिकता है। खेल के माध्यम से छात्र छात्राएं जिंदगी के महत्व को समझ पाते हैं, जो शिक्षा देकर नहीं बताया जा सकता। इसलिए स्कूल के द्वारा हर वर्ष विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कर छात्र छात्राओं को समाज से रूबरू कराया जाता है। हम लोग शेर इंटरनेशनल स्कूल में हर साल इस तरह के बैडमिंटन टूर्नामेंट और अदर गेम्स के टूर्नामेंट्स करवाते रहते हैं। उसको करवाने का हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा जो सामाजिक ज्ञान मिलता है वो ऐसी प्रतिस्पर्धाओं से मिलता है। यहाँ ये बच्चा सीखता है दूसरे के साथ सामंजस्य बनाना, बच्चा सीखता है डिसिप्लिन, बच्चा सीखता है दूसरे से कम्पीट करना, बच्चा सीखता है एक दूसरे को हेल्प करना। तो ये सारी चीज़ें किताबों से नहीं सीख पाता, इसलिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये इस तरह के ऑडिटोरियम्स में ला करके बच्चों को कम्पीट कराना और एक दूसरे को चांस देना कि वो बेहतर कर सके, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चा कल को जब बड़ा हो जाए वो ये समझ सके कि मैंने एक इस लेवल तक खेला हुआ है, मैं इस लेवल तक का काम किया हुआ है, और वो अपने आप को प्राउड महसूस करे। और शबे बारात को लेकर मानगो थाना में शांति समिति के साथ पुलिस प्रशासन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई कमेटियों के सदस्य उपस्थित थे। मालूम हो कि 1 मई को शबे बारात है, इससे लेकर मानगो थाने में जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति के साथ साथ कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पानी बिजली साफ सफाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। इस बाबत जानकारी देते हुए जाकिर नगर कब्रिस्तान के मतलूब अनवर खान ने कहा कि बैठक में काफी मुद्दों पर चर्चा हुई है और उन्हें यह विश्वास है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को जिला प्रशासन द्वारा दूर कर लिया जाएगा और किसी भी तरह की कोई परेशानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं होगी। मानगो थाना में ये शबे बारात के मौके पर हो रही है। शबे बारात 1 तारीख को है
इसके मौके के लिए आज मानगो थाना शांति समिति की बैठक हुई रही है। इस शांति समिति में कब्रिस्तान कमेटी के अहदेदारों को भी बुलाया गया है, जिसमें मैं कब्रिस्तान कमेटी के इंचार्ज हूँ और केंद्र शांति समिति की मैं खुद सदस्य हूँ और हमारे कब्रिस्तान कमेटी के तमाम लोग मौजूद हैं, मानगो थाना के शांति समिति के तमाम लोग मौजूद हैं, DSP हेडक्वार्टर मौजूद है, थाना प्रभारी मौजूद है। बातचीत यही है कि 1 तारीख को शबे बारात है और जाकिर नगर कब्रिस्तान में 6:30 बजे इज्तमाई दुआ की जाएगी। ये इज्तमाई दुआ उन लोगों के लिए की जाती है जिनका इस कब्रिस्तान में कोई नहीं है, इसको जाकिर नगर कब्रिस्तान के लोग कराते हैं। और बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड विकास मोर्चा ने साक्षी गोलचक्कर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किया। इस बाबत जानकारी देते हुए झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष बबुआ सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार गरीब विरोधी है, दिन प्रतिदिन किसी न किसी चीज के मूल्य में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी के तहत झारखंड में अब बिजली के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी गई है। रोजगार देने का तो नाम झारखंड सरकार नहीं ले रही है, पर हर चीज के मूल्य को बढ़ाकर गरीबों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार जल्द से जल्द अगर बिजली के मूल्यों में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती है तो झारखंड विकास मोर्चा आंदोलन का रूप अख्तियार करेगी। झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया है। जिस प्रकार ज्ञात है जो बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि यानी कि 98% वृद्धि, यह वृद्धि झारखंड प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर बिजली का यहां पर बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता था, जहां पर कोयले का प्रचुर भंडार है, झारखंड ही नहीं देश ही नहीं दुनिया के अनेक जगहों पर यहाँ की कोयले से रोशन होता है, उस प्रदेश में बिजली की दरों में 98% की बढ़ोतरी करके 3.5 करोड़ जनता की चैन और नींद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हराम कर दिया है, जीना हराम कर दिया है। और देश में हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में छात्राओं ने जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस बाबत जानकारी देते हुए छात्रों के सदस्य दीपक पांडे ने बताया कि पूरे देश में दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। इस तरह अगर देश में दुष्कर्म की घटना बढ़ती रही तो हमारा देश नारी संपन्न नहीं कहलाएगा, क्योंकि नारियों की पूजा सर्वोपरि है। इसको लेकर छात्र आज कैंडल मार्च के माध्यम से भारत सरकार को सूचना देना चाहती है। उनका ये कहना रहता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि इज्जत भी गवा और जान से भी जाओ। जहाँ इज्जत की बात आती है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 15 साल से उम्र के जो भी होगा बालिक होगा तो उसके लिए 12 साल की सजा होगी, लेकिन जो छोटे बच्चों के साथ ऐसा अपराध, घिनौना अपराध हो रहा है, जैसे मदरसे में हुआ मौलवी और शहनवाज ने जो किया 11 साल के बच्चे के साथ, वो बहुत ही निंदनीय है और अपराधिक है। और इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक हनुमान मंदिर से विहिप के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। साथ ही विगत दिनों 11 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। व्यापारी मोहम्मद शाकिर हत्याकांड से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त, बाजार बंद, पुलिस जुटी जांच में। सरायकला जिले से ब्रांडेड कंपनियों के नकल बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। जमशेदपुर के टेलको स्थित तालाब से युवक का शव बरामद, पुलिस जुटी जांच में। और जमशेदपुर में बढ़ रहा है मधुमक्खियों का आतंक, रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग हो रहे हैं घायल। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।